एक कुरान मजीद में याजूज माजूज को जो है पेश हुई है मसीह अलैहिस्सलाम की आमद के साथ। हम इसमें अब रूस के अगर इसके आमद के साथ ताल्लुक है इसका इस पेश हुई का, तो इसमें रूस की ताकत और अमेरिका की दो ताकतें हम मुराद लेते हैं। तो अब रूस के टूट जाने के बाद इसके सिंबल के तौर पर क्या दूसरी ताकत से क्या मुराद होगी? याजूज माजूज दोनों ने टूटना है, सिर्फ एक ने टूटना है? पता नहीं दोनों टूटे। अगर आप जब मुराद लेते हैं तो क्या समझते थे कि दोनों में से एक खत्म हो जाएगी दूसरी से बाकी रहेगी? दोनों खत्म तो दोनों ही होंगे। हाँ, तो एक खत्म हुई तो दूसरे का इंतजार करें? वो भी आया क्या आया। अच्छा, खुदा की पकड़ के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। और अव्वल तो यह कि जो एक टूटा है वो भी अभी पूरी तरह टूटा नहीं है, अभी जख्मी रीच है, बहुत कुछ उसमें शायद अंग्रेजी के एहतमाल मौजूद हैं और एक बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक ही नहीं। उनका जो आर्सनल है एटॉमिक आर्सनल वही इतना बड़ा है कि अगर कोई गलती से चला दे तो सारी दुनिया को तबाह कर सकता है कई दफा। इसलिए ऐसा भी टूटा नहीं है कि बिल्कुल ही उसको राइट ऑफ कर दें। उसकी इक्तसादी हालत को नुकसान पहुंचाया है बड़ा सख्त इन लोगों ने, और एकदम निज़ाम बदलाने के नतीजे में कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो एक किस्म का माफिया बन गया सारा रूस तिजारत के लिहाज से। तो ये अमदन मेरे नज़दीक शरारत हुई रूस के साथ, ताकि इक्तसादी लिहाज से होश ना आए और फिर दूसरी ताकत जो है बिल्कुल बेईमानी हो जाए। अगर इक्तसादी बदहाली हो जाए और गैर कौमों पर इक्तसादी इन्हिसार हो तो वो कौम लड़ नहीं सकती फिर। तो एक टूट रहा है और बाकियों की बारी आने वाली है इंशाल्लाह। ठीक है।